हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएमए प्रदीप कुमार और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहां पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सिलेबस अपना दिया हुआ है। जो वैकेंसी आई थी मैनेजर अकाउंट्स एंड मैनेजर इंटरनल ऑडिट का, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड इन सीनियर इंटरनल ऑडिटर के लिए, तो सिलेबस आ चुका है। मैं जो सिलेबस मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि ये सारे सिलेबस आते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे वही सारी चीज़ें मेंशन होगी। आप किसी भी कंपनी पीएसयू का लेंगे सिलेबस, फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो वैकेंसी सीए इंटर, सीएमए इंटर या सीए सीए फाइनल पे आती है क्वालिफाइड पे, सबकी वैकेंसी की जो सिलेबस होते हैं सेम होते हैं। अगर आपने एक पीएसयू का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो वही आपके सारे पीएसयू में काम आ जाएंगे। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या सिलेबस मेंशन किया है, जो मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं सिलेबस के। तो बार बार आप लोग पूछते हैं सिलेबस, तो सिलेबस हमेशा वही रहेगा। कुछ कंटेंट जो है ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो आपने क्लास 11 से लेकर कॉमर्स में आपने फाइनल सीए सीएमए करते टाइम पढ़ा हुआ है, या फिर सीए सीएमए करते ही आपने फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है, वही सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस जो है ये मैनेजर अकाउंट्स एंड मैनेजर इंटरनल ऑडिट, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर के लिए है। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है फाइनेंस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो ये आपने सीए सीएमए फाइनल या और इंटर में भी पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग, वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए मेंशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू, कर्व्स, इंड एएस, आईएफआरएस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सारे जो फंड फ्लो है इससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एज पर शेड्यूल टू ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेबी रेगुलेशन ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर एक्सक्लूडिंग सेक्रेटरियल इशूज जो है वो आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड टॉपिक का मैं बात करूँ तो देख सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजिंग अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। यही सब चीज़ें पढ़नी है आपको, जो आपके पेपर हैं आप सीए सीएमए के सिलेबस से उठा के भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताया कॉस्ट मैनेजमेंट, सीबीपी, प्राइसिंग, यानी ये सारे जो ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विस, यानी कॉस्टिंग सब्जेक्ट आप उठाइए अपना बुक सीए का या सीएमए का, जिस जो भी आपने कोर्स किया है उसको आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्पज के हिसाब से पढ़िए, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपको काफ़ी छोटे छोटे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज लॉ एंड अलाइड लॉ, जो कि आपका सी ए एंड सी एम ए में फाइनल में कोर्स भी है। यहाँ पे कंपनी लॉ 2013, देखिए आपका सीधे नाम दे दिया गया, अब इतना वास्ट सिलेबस है, आप उसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है कि कौन कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट है। देन इंसॉल्वेंसी बैंक करेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट और बोनस एक्ट, फेमा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने टेंटेटिव जो भी वीडियोज मैंने बनाए हैं उसमें पहले ही मेंशन किया, तो आपको यही प्रिपरेशन करना है। डोंट वेट फॉर सिलेबस ऑफ एनी पीएसयू एग्जाम, यही सब में रहेंगे, इसी तरह से कंटेंट लिखा होगा। डायरेक्ट टैक्सेशन देखिए आपको इनकम टैक्स लिख दिया है, सीधे रूल दे रहा हूँ, तो जो भी उसमें है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ने होंगे। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में भी देखिए आपको ऐसे ही लिख दिया है, जीएसटी एंड कस्टम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीज़ बस मेंशन कर दी गई है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है। देन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पूछा है, जहाँ पे भी आपको बेसिक क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई। तो ये फुल सिलेबस था और आपको यही सिलेबस प्रिपेयर करना है किसी भी पीएसयू की एग्जाम के लिए। एक बार आपने अगर ये प्रिपेयर कर लिया तो आपको किसी भी सिलेबस का वेट नहीं करना है अपकमिंग पीएसयू एग्जाम्स के। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। आप इसी सिलेबस को बेस मान के सारे गवर्नमेंट पीएसयू के जो भी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड आ रहे हैं आपके फॉर्म्स, उनके प्रिपरेशन करिए और हर बार सिलेबस मत मांगिए। जब भी वैसे ऑफिशियल आएगा इसी तरह मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा, तो को मैं यही रिकमेंड करूंगा अपने सी ए सी एम ए कोर्स को ही फॉलो करें, किसी भी बुक को परचेस ना करें। फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, सो डोंट गो फॉर एनी बुक। कोई अगर बताता है तब भी आप मत जाइए। मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से, मुझे पता है कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो बुक अवेलेबल है वो अपडेटेड नहीं है, वो पुरानी चीज़ें ही चली आ रही हैं, जैसे आप कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सारी मार्केट में मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ कवर चेंज है, बाकी मटेरियल अंदर सभी का सेम है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। तो ऐसे जॉब अपडेट्स एंड सिलेबस और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।